हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू का लिंक्स ग्रुप। तो दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है इंसर्ट मेनू के और ग्रुप को सीख चुके हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जो है एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो आप कीबोर्ड से जो है विंडो के साथ में आर को प्रेस करिएगा, आपके सामने एक छोटा सा रन बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है बीन वर्ड, WINWORD। जैसे आप यहाँ पर टाइप करके जो है ओके पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पर जो है हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो है इंसर्ट मेनू, होम मेनू के सारे ग्रुप को पढ़ चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगला चलते हैं इंसर्ट मेनू पर। इंसर्ट मेनू में दोस्तों जो है हम लोगों ने मीडिया ग्रुप तक जो है सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे लिंक्स। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तीन ऑप्शन पाए जाते हैं, पहला हाइपरलिंक, दूसरा बुकमार्क, तीसरा क्रॉस रेफरेंस। आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाने लगते हैं और किताबें छापने लगते हैं तो ये बहुत आवश्यकता पड़ता है इसका, जिससे आप जो है किसी भी पेज पर मूव कर सकते हैं आसानी से जाने के लिए। क्योंकि पेज जो है 500 पेजेस का हो सकता है, 1000 पेजेस का हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ढूंढने में समस्या होता है और वहाँ पहुँचने में भी समस्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी मदद से बताऊँगा कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया है पहला हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर आप क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है ये चार प्रकार से डॉक्यूमेंट को लिंक कराने के लिए आवश्यकता मिल जाएगा, आपको जो है ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप पर लिंक आता है किसी यूट्यूब का, फेसबुक का, और आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाते हैं जो यूट्यूब का पेज और व्हाट्सएप का, फेसबुक का पेज रहता है। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक की मदद से ले जाते हैं, जो ब्लू लाइन का लिंक होता है, जो HTTP करके आता है। तो वहाँ पर ऐसे ही जो है आप इस प्रकार से भी यहाँ पर जा सकते हैं और लिंक को जनरेट कर सकते हैं। पहला दिया है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेज। एग्जिस्टिंग मतलब कोई बाहरी फाइल को और वेब पेज, जैसे वेबसाइट के, जैसे कोई भी वेबसाइट आप लिंक को क्लिक करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं एग्जिस्टिंग फाइल, जो कंप्यूटर में फाइल रहते हैं या डॉक्यूमेंट, उसको कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए, पहला इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ लुक इन में देखिएगा, पहला तीन प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है करेंट फोल्डर, यदि किसी भी फोल्डर को आप लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक जो है फोल्डर का नाम लिख देता हूं, जैसे दिस इज अ फोल्डर, तो मैं यहां पे जो है फोल्डर का नाम लिख दिया दोस्तों। और इस फोल्डर को मैं चाहता हूं कि जब इस पर कोई क्लिक करे तो ये चला जाए डायरेक्ट जो है फोल्डर पर, जो फोल्डर आप कनेक्ट करेंगे। फोल्डर मतलब जो जगह होता है किसी भी फाइल को रखने के लिए। तो मैं यहां पे, या तो आप ये लिख दीजिए जो है क्लिक ऑन दिस फोल्डर। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया जो है क्लिक ऑन दिस फोल्डर, तो जैसे आप इस पर कोई क्लिक करेगा एक मैसेज दे दिया मैंने, और यहाँ पर लिंक लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप जो है कुछ भी लिखने के बाद, एक सौ आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने तो यहाँ क्लिक ऑन दिस फोल्डर लिखा हुआ है, आपको जो समझ आए आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ लिंक पर क्लिक करिएगा और हाइपर लिंक पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप आइएगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेज पर, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अलग अलग फोल्डर, यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप इस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने कंप्यूटर का पूरा लोकेशन आ जाएगा, आपको जिसमें जाना होगा चले जाइएगा। मेरे डेस्कटॉप में देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक फोल्डर है सबसे अलग 200, इस फोल्डर को जो है मैं देखिए क्लिक किया, और जैसे अब इस फोल्डर पे क्लिक करिएगा इसके अंदर कोई फाइल है तो मैं इस फोल्डर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो जो भी इस फोल्डर के अंदर फाइल होगा आप इस क्लिक की मदद से वहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो है सबसे अलग 200 पर क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए, ये जो है क्लिक ऑन दिस फोल्डर ये ब्लू कलर का हो गया है और ये एक लिंक बन गया, जैसे आपके व्हाट्सएप में लिंक आता है। अब देखिए, आपको कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, जैसे कर्सर को हटाएंगे तो मैसेज गायब हो जाता है। तो कर्सर के लिए आप इस पर ले जाते हैं, देखिए लिख रहा है क्लिक प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कह रहा है कि कंट्रोल को दबाइए, CTRL लिखा है, कंट्रोल की को दबाइए आप कंप्यूटर से जो आपके कीबोर्ड में है, और उसके बाद अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर कह रहा है यस ओपन करने के लिए, मैंने यस कर दिया और देखिए ये फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा है सबसे अलग 200, इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल है सबसे अलग 200 का, जो MS Word का फाइल है। तो इस प्रकार से आप किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन इस पर क्लिक करिएगा। अगला दिया है जो है ब्राउज्ड पेजेज, ये जो कोई वेब पेजेज है जो इंटरनेट की मदद से खुलता है उसको जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसको मैं चेंज कर दिया, अभी इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MS Dhoni।
मैंने यहाँ पे MS धोनी लिखा और हम लोग जाएंगे किसी भी ब्राउजर पर। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका नेट जो है कनेक्ट हो जाना चाहिए किसी भी ब्राउजर पर जाने के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ से जो है अपने इंटरनेट को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने इंटरनेट को ऑन कर लूँगा, वाईफाई को। आप भी अपने कंप्यूटर से जो है इंटरनेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को ऑन कर चुका हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है कनेक्ट पर क्लिक कर दूँगा तो ये जो है इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है कनेक्टेड। अब हम लोग जाएंगे किसी वेब ब्राउजर पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है MS धोनी का ही वहाँ पर हम लिंक खोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं क्रोम, CHROME, क्रोम को सर्च किए। देखिए, ये एक जो है वेब ब्राउजर है जो किसी भी वेबसाइट को सर्च करता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग MS धोनी को टाइप करेंगे और उनका हिस्ट्री निकालेंगे और उन्हीं का लिंक जो है वहाँ पर जो है जोड़ देंगे, ताकि जैसे ही यदि कोई MS धोनी के बारे में जानना चाहता है तो उस पर क्लिक करेगा तो MS धोनी के वेब पेज पे चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ भी आ चुका है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ MS धोनी। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने धोनी को टाइप किया और यहाँ पे इंटर किया। देखिए, ये पेज इंटरनेट से खुल चुका है, आपको भी यही सेम करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है MS धोनी, मैंने MS धोनी पर जो है क्लिक किया और देखिए MS धोनी का ये पेज जो है खुल चुका है। ऐसे आप भी आइएगा, किसी भी ब्राउजर को खोलिएगा, या तो देखिए यहाँ पर जो है ऊपर दिया हुआ है इसका लिंक, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये ब्लू लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगा। आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू लाइन आ जाएगी। देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ पेज खुलने के बाद। देखिए, ये आ गया, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सर्च बार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ब्लू लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में सी को प्रेस करिएगा तो आपका ये लिंक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नीचे हमारा यहाँ पे MS वर्ड ओपन है तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और देखिए MS धोनी को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लिंक पर क्लिक करिएगा और हाइपर लिंक पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइल एग्जिस्टिंग और वेब पेजेस पर क्लिक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा ब्राउज पेजेस पर, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए दिया है एड्रेस, इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ में कीबोर्ड से पेस्ट कर दीजिएगा उस लिंक को जो मैंने धोनी वाला लिंक यहाँ से कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ये लिंक देखिए एकदम नीला हो चुका है, जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा ये डायरेक्ट जो है चला जाएगा क्रोम पर और MS धोनी के पेज को खोल देगा। देखिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि पहले से ही खुला हुआ। देखिए, मैंने इसको कट कर दिया, अभी केवल MS वर्ड ही खुला हुआ है। और देखिए, कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड से मैं माउस से जो है इस पर क्लिक करूंगा। देखिए, जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के मैं क्लिक करता हूं और देखिए ये जो है मुझसे पूछेगा जो है कि कहां पे जाना है। देखिए, जो है लिंक जो है डायरेक्ट खुल जाएगा वहां पर, नेट कनेक्ट रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो है वेब ब्राउजर पे खुल चुका है। देखिए, ये खुल रहा है जो कि ये नेट के माध्यम से खुला हुआ है। जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा MS धोनी के बारे में जानना चाहता है, कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करेगा तो डायरेक्ट MS धोनी के पेज पे चला जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है MS धोनी का ये पूरा हिस्ट्री यहाँ पर आ चुका है, जो ये इंडिया के जो है एक माने जाने क्रिकेटर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के क्रिकेटर के रूप में। तो देखिए, ये जो है आप किसी भी जो है लिंक को लगा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगला आप बात करते हैं, अगला ऑप्शन दिया हुआ है रिसेंटली फाइल, यानी जो अभी हाल ही में आपने यूज़ किया था वो फाइल यहाँ पे शो करता है। देखिए, जैसे अभी मैंने जो है धोनी का यूज किया तो धोनी का भी देगा, और जो ऐसे सबसे अलग पहले वाला दो यूज किया था, देखिए ये वेब ब्राउजर वाला फाइल नहीं शो करता, ये केवल आपके कंप्यूटर वाला फाइल शो करता है। देखिए, यहाँ पे दिया सबसे अलग 200, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर इस पर दोबारा आपको जाना है तो इसको क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिएगा तो ये देखिए फिर से जनरेट हो गया, और इसको कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो ये उसी फोल्डर में चला जाएगा जो आपकी सबसे अलग 200 वाला था। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो है इसमें कोई खास नहीं, ये वही देता है जो आप इसमें यूज किए रहते हैं हाल ही में, वही वाला दिखाता है इस पर। अगला ऑप्शन में चलते हैं, अगला है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो है, पहले 300-400 जो है डॉक्यूमेंट का पेज बना लेंगे, जैसे 200-300 बना लीजिएगा तो 25-50 जो आपको समझ में आता है बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, इक्वल बटन दबाइएगा और राइंड करिएगा, राइंड करने के बाद यहाँ पे कोष्टक लगाइएगा और इस कोष्टक के अंदर चले जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए एक बार आप इंटर करते थे तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ देता था। देखिए, ये 5 पैराग्राफ है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पैराग्राफ है, हमको ज़्यादा यदि चाहिए क्योंकि 5 पैराग्राफ में एक ही पेज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, देखिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इक्वल करते हैं और राइंड करेंगे और कोष्टक लगा देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कोष्टक लगा देता हूँ और इस कोष्टक के जो है अंदर क्लिक कर लीजिएगा, ये कोष्टक के अंदर, और यहाँ पे दे दीजिएगा आप 300 पैराग्राफ। 300 पैराग्राफ देंगे तो जो है 20-25 पेज बन जाएगा। उसके बाद इंटर बटन जो है कीबोर्ड से प्रेस करिएगा। अभी देखिए टोटल यहाँ पे काउंटिंग कर रहा है, देखिए नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, अभी देखिए ये काउंट करके बताएगा टोटल कितना पेज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये काउंटिंग कर रहा है, पर पेज फिलहाल काफ़ी हो गया है, अभी काउंटिंग करके आपको जो है वहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितना पेज टोटल यहाँ पे हुआ है।
उसके बाद जो है देखिए आपको एकदम फ्रंट पे आना है, तो कंट्रोल बटन दबाइएगा और अपने कीबोर्ड से होम बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे जो है एकदम आ जाएंगे। देखिए अब काफ़ी पेज हो गया है, तो हम जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। मैंने आपको बताया इंसर्ट पे जाइएगा, पेजेस पे जाइएगा और यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे एकदम जो है ब्लैंक पेज पर। ब्लैंक पेज पर आने के बाद दोस्तों जो है आपको यहाँ पर जैसे किसी पेज पर जाना, देखिए टोटल अभी यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया है कि टोटल 18 पेज है, यहाँ पे आप देख लीजिए काउंट करके बता चुका है, कुछ समय लगता है काउंटिंग करने में, तो काउंट करके ये बता दिया। अब मुझे मान लीजिए 15 नंबर पेज पे जाना है, तो पहले 15 नंबर पेज पे हम क्या करेंगे, एक बुक मार्क लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा बुक मार्क कैसे आएगा, तो हम कंट्रोल बटन दबा के इंड बटन दबाएंगे जब जो है कीबोर्ड से, तो यहाँ पर जो है लास्ट में चला जाएगा 18 नंबर पेज पर। देखिए अभी मैं टोटल 18 नंबर पेज पर हूँ और 18 नंबर टोटल पेज हमारे पास है। उसके बाद मान लीजिए मैं ये जो है यहाँ देखिए आ रहा हूँ, तो ये टोटल कितना दिखा रहा है, अभी 15 नंबर पेज पे दिखा रहा है कि मैं 15 नंबर पेज पे हूँ। और मैं 15 नंबर पेज पे जाने के लिए देखिए यहाँ पे एक वीडियो लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लिंक पर जाइएगा और यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर उस बुक मार्क का नाम दे दीजिएगा। जैसे ये पेज नंबर 15 था, तो मैंने देखिए यहाँ पर पेज 15 लिख दिया। आप यहाँ पे देखिए जगह मत दीजिएगा, नहीं तो ये लिखेगा नहीं, यानी आपको बीच में स्पेस नहीं देना है और ना ही कोई डॉट लगाना है, कोई सिंबल उम्बल नहीं लगाना है, बस केवल सिंपल सा वर्ड और जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज 15 लिखा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो वीडियो है उस पर मैंने बुक मार्क लगा दिया। कौन सा बुक मार्क लगाया, पेज नंबर 15। अब मैं देखिए फ्रंट पे जा रहा हूँ, कंट्रोल बटन दबा के होम को प्रेस किया, एकदम खाली पेज पर आ जाएंगे, जो पहला वाला पेज है हमारा। देखिए यहाँ दिखा भी रहा है कि मैं पहले नंबर पेज पर हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे पेज नंबर 15 पे जाना है और मैंने बुक मार्क 15 लगाया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ पेज 15। देखिए यहाँ पे आप जगह दे सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 15 दे दीजिएगा। बुक मार्क लगाते वक्त आपको स्पेस नहीं देना है। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पेज 15 को सेलेक्ट करेंगे और लिंक पर जाएंगे, और यहाँ बुक मार्क पर जो है मैंने कर चुका हूँ, अब आ जाएंगे हाइपर लिंक पर। और यहाँ पर दूसरा दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए बुक मार्क कर रहा है 15 नंबर पेज। देखिए यहाँ बुक मार्क लिखा हुआ है और यहाँ पेज नंबर 15 है, क्योंकि बुक मार्क के अंदर मैंने पेज नंबर 15 को जो है ऐड किया हुआ है बुक मार्क की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट हो गया है पेज नंबर 15 का। अब जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के आप क्लिक करेंगे पेज नंबर पे 15 पे, तो देखिए ये डायरेक्ट पेज नंबर 15 पे चला जाएगा, जो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था पेज नंबर 15 पे। ये 16 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने खाली पेज वहाँ पर लिया है, इसकी वजह से 16 दे लिया, पर जाया गया है वहीं पर जो आपने लगाया हुआ था। मैं देखिए दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल बटन दबा के होम प्रेस करिएगा, फ्रंट पे आ जाएंगे और पेज नंबर 15 लिखा है इस पर कंट्रोल बटन दबा के आप माउस से क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, तो डायरेक्ट आपके पेज नंबर 15 पे ले जाएगा। तो ये आप किसी पेज पर जाने के लिए आप लगा सकते हैं बुक मार्क को। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये अगर कोई नया डॉक्यूमेंट जैसे आप चाहते हैं कि एक नया पेज ले लें आप, देखिए मैंने यहाँ पर जो है होम पर जाता हूँ और इसको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। और मान लीजिए कोई हम चाहते हैं कि जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे क्लिक, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जो है क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, जैसे मैं चाहता हूँ जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो ये नए डॉक्यूमेंट को खोल दे, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइएगा बुक हाइपर लिंक पर क्लिक करिएगा और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देगा टारगेट फ्रेम, इस पर क्लिक करिएगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो देखिए हम नीचे आएंगे, ऐसे बहुत सारे पेज हैं, सेम पेज पर जा सकते हैं। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, यानी खाली पेज चाहिए मुझे, तो ब्लैंक पेज पर सेलेक्ट करिएगा, यहाँ देखिए क्लिक करिएगा ड्राप डाउन लिस्ट पर, और नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ब्लैक ब्लैक ब्लैंक, और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं जो है क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहां मैंने अपने मर्जी साइज लगा सकते हैं, पर टारगेट आप जरूर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद देखिए मैं यहां पे ओके कर देता हूं। अब देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट पे चला गया। देखिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, और देखिए जब भी उस पर देखिए हाइपरलिंक लग चुका है और कोई भी कंट्रोल बटन दबा के जब क्लिक करेगा तो ये यस मांगेगा, जैसे यस करेगा वो न्यू डॉक्यूमेंट खोल देगा, एक सादा पेज खोल देगा डॉक्यूमेंट को। देखिए यहाँ पर एकदम सादा पेज आ गया। तो इस प्रकार से आप नया विंडो को ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है ईमेल। यदि आप जैसे यहाँ पर किसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर है अजय यादव, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यादव ईमेल आईडी। आप चाहते हैं कि अजय यादव का ये ईमेल आईडी है, आप इस पर जैसे क्लिक करें तो ईमेल आईडी अजय यादव का खुल जाए, तो इस पर क्लिक करिएगा, हाइपरलिंक पर जाइएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा अजय ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर आइएगा ईमेल आईडी पर, और यहाँ देखिए अजय ईमेल आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, तो उनका जो ईमेल आईडी होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है अजय, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AJAY अजय @ gmail.com।
यहाँ पे मैं देखिए ajay@gmail.com लिख दिया और ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये ईमेल आईडी पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट अजय के ईमेल आईडी पे चला जाएगा। देखिए मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल बटन दबाकर माउस से लेफ्ट बटन, देखिए ये डायरेक्ट जो है ईमेल आईडी खुल गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो आप जाना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी पर लॉगिन करने के लिए है, किसी ईमेल आईडी पर जाने के लिए। दोस्तों ये चारों मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है, इसका आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिएगा, धीरे धीरे रोक कर तो आप सीख लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो है क्रॉस रेफरेंस का। तो जो है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। अब क्रॉस रेफरेंस जो है ये जो है रेफरेंस मेनू से संबंधित है। देखिए जो ये इंसर्ट पे मैंने जो है आपको बताया अभी, इंसर्ट पर आप आइएगा, लिंक पर आइएगा और यहाँ पे देखिए दिया है क्रॉस रेफरेंस, ये इस रेफरेंस से संबंधित है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो है तीन चार पेज जो है नया जोड़ लेता हूँ। देखिए टोटल एक पेज है हमारे पास, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं ब्लैंक पेज पर। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है लगभग टोटल चार पांच पेज जोड़ लिया। देखिए यहाँ पे पांच पेज दिखा रहा है, टोटल पांच पेज है। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर चार नंबर पेज पर जो है एक पिक्चर लगा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक फिगर जोड़ देता हूँ। पहले आप रेफरेंस पर आइएगा, मेन स्टार्टिंग है रेफरेंस पर, और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फिगर वन दिखेगा। यहाँ पे देखिए अगर नई फिगर सेलेक्ट होगा तो आप फिगर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए फिगर सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद फिगर वन यहाँ पे देगा। देखिए दोस्तों यदि आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो टेबल वन देगा। हमको फिगर से बताते हैं, आप कुछ भी जोड़ लीजिएगा, फिगर वन दिया और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ फिगर वन आ गया, फिर अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई फिगर जोड़ लीजिएगा, इंसर्ट पे दोबारा जाइएगा और कोई पिक्चर जोड़ लीजिएगा, फिगर अर्थात पिक्चर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे हम जाते हैं, एक पिक्चर जोड़ लेते हैं, यही फेसबुक का। देखिए यहाँ फेसबुक पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आ चुका है और ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैं ये थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पिक्चर जोड़ने के बाद जो है देखिए फिगर वन है। उसके बाद हम चले जाते हैं कंट्रोल बटन होम दबाकर पहले पेज पर और यहाँ पर लिख देते हैं कि जो है फिगर वन। देखिए मैं यहाँ पर फिगर जो है फिगर वन लिख देता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर जाइएगा और लिंक पर क्लिक करिएगा, क्रॉस रेफरेंस पर जाइएगा और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए रेफरेंस टाइप पर क्लिक करेंगे, जब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पर नीचे आइएगा, यहां मिलेगा फिगर, फिगर पर क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए फिगर वन दिया है और उसके बाद इंसर्ट कर दीजिएगा। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। आप देखिए जब भी आप इस फिगर वन पर जो है क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन दबा के माउस से, वो डायरेक्ट आपको चार नंबर पेज पर जो फिगर लगा है वहाँ पर ले जाएगा। देखिए कंट्रोल बटन दबाकर मैंने क्लिक किया, देखिए ये फिगर वन पर आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप फिगर को लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि ये रेफरेंस मेनू से संबंधित है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है जो है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक चीज़ को जो है दोबारा वहाँ पे क्लिक करके जाने के लिए रेफरेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस मेनू में हम जाएंगे तो आगे का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो दोबारा अगर रिपीट करके आप देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए जो है आप सभी को धन्यवाद। आपको अगर ये चैप्टर जो है अच्छे समझ में आया, ये टॉपिक, तो आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा कि आप जो है इसको कैसे अच्छे से सीख पाएंगे। एक बार आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।